उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय दो। उत्पत्ति ग्रंथ के दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। जिस समय प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया, उस समय पृथ्वी पर ना तो जंगली पौधे और ना खेतों में घास थी। फिर भी प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके शरीर में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। इसके बाद ईश्वर ने आदान में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष लगाए जो देखने में सुंदर और स्वादिष्ट थे, और वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भरे बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। इस प्रकार प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को आदन वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेती बारी और देख रेख कर सके। पर ईश्वर ने रहने से पहले यह चेतावनी दी कि तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खा सकते, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। फिर प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक साथी सहयोगी बनाऊंगा, ताकि ये दोनों नाना प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, पक्षियों एवं घरेलू जानवरों की रक्षा करें। तो प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया। उसने उसकी एक पसली निकाल दी और उसका जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उससे मनुष्य के पास ले गया। इस प्रकार मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से उत्पन्न हुई है। इस प्रकार मनुष्य की उत्पत्ति प्रारंभ हुई।